Okay. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हम लेंथ टाइम मेजरमेंट कर रहे थे. लेंथ टाइम मेजरमेंट के अंदर हमने पैरेलेक्स मेथड, बहुत फेमस मेथड है वो देखा था. और इन मेथड्स के बाद हमने इनडायरेक्ट मेथड भी सीखा था कि ओलिक एसिड के थिकनेस को कैसे मेजर किया जाए. यहां तक हमने कर लिया था साइज ऑफ ओलिक एसिड. नेक्स्ट क्या है इसमें? मास एंड वेट. मास एंड वेट के अंदर मास बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, ऐसे डिफाइन करेंगे. एंड वेट का मतलब फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक मास पे लगती है और टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ जो एक मास को पुल करती है इज नोन एज वेट. तो लिखा हुआ है इसमें द मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट. और वेट का मतलब वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक. और उसी तरीके से नेक्स्ट इसमें इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, इसको एक लाइन अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट मार्क करो. एक लाइन में आ जाता है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास? तो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास में क्या डिफरेंस है इसको सीखने के लिए, लेट अस सपोज आपके पास ये एक ब्लॉक है, इसका मास एम है और ये फोर्स अप्लाइड एफ है और ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाता है. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय ए. ऐसे करेंगे इसमें. तो हमने मास निकाला, हमने ग्रेविटी का कहीं भी यूज नहीं किया, स्मॉल जी को यूज ही नहीं किया. हम किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं? एनर्शिया. हम क्या कर रहे हैं इस ब्लॉक का एनर्शिया, ये ब्लॉक एनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था और हम इसको किस में लेके आए? एनर्शिया ऑफ मोशन में. इस मास को हम मोशन में लेके आए और एनर्शिया ऑफ रेस्ट से एनर्शिया ऑफ मोशन में लेके आए. तो इस तरीके से जो मास मेजर किया गया दिस इज नोन एज इनर्शियल मास, जो ये स्टेट करता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, ये स्टेट करता है. क्योंकि जब हम बोलते हैं व्हाट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? बाय मास. जितना ज्यादा मास होगा उतना बड़ा उसका इनर्शिया होगा. तो इस केस में आप देख सकते हो मास ऑफ द बॉडी जो क्या डिटरमिन करती है उसका एनर्शिया, जब वो ट्रांसलेशन मोशन में, इज नोन एज इनर्शियल मास. ये डिफाइन करेंगे इसे. तो इनर्शियल मास का मतलब मास डिटरमिन करना जो इनर्शिया की हेल्प से मेजर किया जा रहा है, इनर्शियल मास. उसी तरीके से और इस केस में ग्रेविटेशनल मास क्या है? द मास ऑफ द बॉडी विच डिटरमिन्स द ग्रेविटेशनल पुल. तो ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग अपॉन इट ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास. कैसे? अगर आप ग्रेविटी का न्यूटन का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जैसे एक मास अर्थ है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज एम ऑफ जी का मतलब मास ऑफ एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जैसे एप्पल का मास है जैसे न्यूटन ने काम किया था. तो दो मासेस है, एक बड़ा मास एक छोटा मास, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है. आर का मतलब अर्थ के सेंटर और उस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में डिस्टेंस आर है. तो इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ लगाएगी उस मास के ऊपर. तो ये मास ग्रेविटी का अफेक्ट बता रहा है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम ऑफ जी की वैल्यू आएगी. इस मास को हम क्या बोलते हैं, कौन सा मास है? ये ग्रेविटेशनल मास है. तो मतलब आपने एक्सप्लेन करना है एक या डेढ़ दो नंबर में जब भी आएगा डिफरेंस बिटवीन टू मासेस, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये मेथड भी लिखना है हाउ यू वी कैलकुलेट दीज टू मासेस. तो इसके बाद, इस डेफिनेशन के बाद, ये मुझे लगता नहीं कि फिजिकल बैलेंस और ये कुछ नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये टॉर्क और रोटेशनल मोशन के ऊपर बेस्ड है. इसके बाद जो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए वो आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आ जाओ असाइनमेंट में. सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर
सिग्निफिकेंट फिगर्स भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर स्कूल में आएगा, हालांकि नीट के अंदर या मेंस के अंदर भी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो एक नंबर का स्कूल के अंदर भी आ सकता है। तो इसके अंदर कुछ रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। जैसे कि सपोज करो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि वो नंबर्स जिनका कोई सिग्निफिकेंस है और जिन जिन वैल्यूज के लिए आप क्या हैं कॉन्फिडेंट हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे सपोज करो एक नंबर है 4545 और एक नंबर है 045। आप कहोगे जीरो क्यों लगाया, मैंने कहा लगा भी दिया तो क्या हो गया, तो दोनों वैल्यूज में कोई फर्क है ही नहीं। तो आप जीरो के बारे में तो कुछ कहना नहीं पसंद करोगे, लेकिन फोर और फाइव अपनी कैलकुलेशन में जरूर लोगे। तो जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट, लगा भी दोगे नहीं भी लगाओगे उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन फोर और फाइव एक ऐसे डिजिट्स हैं जिसके लिए आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि ये तो कैलकुलेशन में आएंगे ही आएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, दो, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से जिन नंबर्स के लिए आप कॉन्फिडेंट हो तो वो सिग्निफिकेंट है, और जिनके लिए लगाओ ना लगाओ आप नहीं कह पा रहे कुछ भी तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहां से स्टार्ट है। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आर मेजरमेंट। तो इस केस में इसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। इसके ना कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये डेफिनेशन तो चलो जो है ही है, ये रूल्स को जरा प्लीज एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना साइड में। ये रूल्स हैं, तो इस पे पूरे का पूरा पैराग्राफ को मार्क कर लेना ऐसे, मतलब इस तरीके से कि इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना है आपने। इन रूल से ही बस काम हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। देखो रूल नंबर वन ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपकी कोई कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन में आंसर है 13.75, आप हर डिजिट के लिए कॉन्फिडेंट हो। चक्कर तब पड़ता है जब जीरो का चक्कर पड़ता है, जीरो लगाओ ना लगाओ का चक्कर है। नॉन जीरो नंबर तो पक्का ही है कि वो तो लेने लेने हैं कैलकुलेशन में। तो इसमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, फोर। पहला रूल क्लियर हो गया। दूसरा ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मान लो ये नंबर वन है, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, बीच में जितने मर्जी जीरो लगा लो सब काउंट होंगे, आप किसी भी जीरो को उड़ा नहीं सकते, क्योंकि जीरो, क्योंकि एक नॉन जीरो नंबर और नॉन जीरो नंबर के बीच में नंबर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो सब काउंट होंगे, आप किसी भी जीरो को छोड़ नहीं सकते। तो सारे के सारे डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने हुए, एक दो तीन चार और पांच। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के राइट पे, बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। रूल से बेटर ना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है 86400 में, सॉरी यार 86400 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ये बताने हैं। तो एक दो तीन, तीन तो पक्के ही हैं। आपको कि जीरो जीरो भी तो है, क्योंकि 8 4 8 6 4 0 0 पीछे आ रहा है, तो वो थाउजेंड्स और लाख में कैलकुलेट तो कर ही रहा है, नहीं है। उसका रीजन बताता हूं कब लेना है और कब नहीं लेना। जैसे आपकी कैलकुलेशन है 86400, कोई इसको ऐसे लिखेगा 864 × 10^0, कोई इसे ऐसे लिखेगा 860.4 × 10^3, ठीक एक ही बात है। कोई इसे ऐसे लिखेगा 8.64 × 10^4, ठीक है ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो बात तो एक ही है, तो आप इनके लिए तो कॉन्फिडेंट हो तीनों के लिए। अब ये थोड़ी ना कोई अपने आंसर में 10^2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, तो ये तो आपकी मर्जी आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन इन तीन नंबर्स के लिए कॉन्फिडेंट हो। तो रूल ये है कि कोई भी नंबर अगर आपको गिवन हो नॉन जीरो, उसके पीछे जो भी जीरोस लगे हुए हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो टोटल नंबर कितने काउंट होंगे, तीन। लेकिन लेकिन एक्सेप्शनल, ध्यान से, अगर कोई भी ऐसा नंबर 86400 यूनिट्स के साथ गिवन हो, यूनिट्स भी गिवन है, यानी कि दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट, जैसे आपने एक टेबल की लेंथ मेजर की 86400 मीटर, तो फिर आप 00 छोड़ नहीं सकते, फिर इसका मतलब 00 का भी कोई सिग्निफिकेंस है। तो अगर तो सिर्फ नंबर गिवन है फिर तो तीन सिग्निफिकेंट है, बात क्लोज हो गई।
लेकिन अगर आपको ये गिवन है कि ये कोई मान लो इतना केजी है, जैसे 500 kg मास है, भाई 500 किलो मास है, 0 0 मैटर करेगा, तो 500 kg में 3 सिग्निफिकेंट है। तो अगर मैं कोई नंबर देता हूँ 500, सिर्फ नंबर देता हूँ, पीछे बोलता ही नहीं कुछ भी, फिर एक ही सिग्निफिकेंट है, 5। पर अगर मैं बोलता हूँ 500 सेंटीमीटर है, 500 kg है, इसका मतलब है कुछ मेजरेबल वैल्यू है, तो फिर 3 सिग्निफिकेंट है। तो अगर कुछ नहीं गिवन पेपर में तो 0 0 नहीं काउंट करेंगे, और अगर गिवन है तो फिर मतलब यूनिट्स गिवन है तो फिर एज इट इज काउंट करेंगे। ये रूल भी क्लियर है यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट टूल है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बाकी नॉर्मल है। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। या रूल से बेटर ना एग्जाम्पल है, वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 0 0 पॉइंट डेसिमल आ गया, डेसिमल के अगर लेफ्ट पे जीरो लगे हुए हैं और नॉन जीरो नंबर के बाद, मतलब नॉन जीरो नंबर के बाद 0 0 फिर डेसिमल है, ये सब काउंट होंगे। तो डेसिमल के लेफ्ट पे अगर जीरो आ रहा है लेकिन नॉन जीरो के बाद आ रहा है तो ये काउंट होगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 काउंट होंगे। क्लियर है यहां तक? तो डेसिमल के लेफ्ट पे जीरो हो और यहां पर नॉन जीरो नंबर हो, सब काउंट करना है। लेकिन अगर मान लो अगर आपके पास क्या गिवन है 161 सेंटीमीटर हो, इसमें 3 है, 161.0.0। अब देखो अगर कोई यहां पॉइंट के बाद जीरो लगाता है इसका मतलब कोई तो सिग्निफिकेंस है, नहीं तो ऐसा ना बोल देता 161। तो इसके अंदर कितने काउंट होंगे? 4 काउंट होंगे। 1 2 3.00 इसमें 5 काउंट होंगे। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस हैं वो सब के सब काउंट होंगे, पर अगर डेसिमल पॉइंट के डेसिमल ही नहीं है, सिर्फ 0 0 है, तो फिर सिर्फ एक ही काउंट होगा। लेकिन अगर इसमें यूनिट्स लगे हुए हैं तो फिर उसमें वो सारे काउंट हो जाएंगे। ये रूल भी क्लियर है यहां तक? तो डेसिमल पॉइंट के राइट पे अगर जीरो है तो काउंट करना है। नेक्स्ट है, बोलो। यूनिट तो भी काउंट करना है, डेसिमल में तो काउंट करना ही करना है। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई डेसिमल के लेफ्ट पे जीरो है, लेफ्ट पे जीरो है, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट पे जीरो चल रहे हैं, वो नहीं काउंट होंगे। देखो ना, आप इसमें अगर लेफ्ट के बाद जीरो काउंट करोगे फिर थोड़े ना काउंट होगा। तो अगर ये नॉन जीरो नंबर के यहां जीरो स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे जीरो यहां हो चाहे यहां हो, जहां मर्जी हो, इसमें 3 ही काउंट होंगे, ये काउंट नहीं होगा। तो अगर डेसिमल के राइट पे जीरो है तो सारे काउंट होंगे, डेसिमल के लेफ्ट पे जीरो है तो कोई भी जीरो काउंट नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ 3 ही रहेंगे, 3। रूल क्लियर है यहां तक? और ऐसी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट, चाहे सेंटीमीटर है, चाहे मीटर है, चाहे किलोमीटर है। इसके अंदर 3 है, जीरो काउंट नहीं होगा, लेफ्ट की तरफ है तो इसमें भी 3 है, किलोमीटर है, किलोमीटर है, इसके अंदर क्या होगा? अच्छा, किलोमीटर हो चाहे, ये 0 0 चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ 0 है, तो इसमें भी 3 ही है, सारे 3 है। बस इतने से रूल्स हैं, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आना होगा तो बस इसी में से आ जाएगा। तो इसकी इसको करने के लिए ये देख लो, इधर स्टेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2.000। देखो पॉइंट के बाद जीरो है, सारे काउंट होंगे, तो कितने होंगे? 4। 5100 केजी, केजी का मतलब यूनिट है, तो कितने काउंट होंगे? 4। पॉइंट के यहां जीरो है तो कितने काउंट होंगे? सिर्फ 2। क्लोज हो गया, बस आना होगा एक नंबर, इसी में से आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके बाद एक और भी रूल है राउंड ऑफ करने का। ये ना 5th 6th 7th से स्टार्ट हो जाते हैं राउंड ऑफ, छोटे छोटे नंबर्स। तो क्यों होंगे आपने शायद कभी राउंड ऑफ कैसे करते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे राउंड ऑफ का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कभी आता हुआ, नॉर्मली आता नहीं है, पर फिर भी ये स्कैन हो गया मुझसे। मैं एक दो एग्जांपल देके बता देता हूँ कि कैसे राउंड ऑफ किया गया इसमें, हालांकि आपको घर जाके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पर इस पे क्वेश्चन आता नहीं है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, मतलब आपने कोई आपको कोई नंबर गिवन है और आखिरी नंबर 5 है, जैसे ये रहा 5 है, और आपको कितने राउंड ऑफ करने हैं? अप टू 3 डिजिट्स, तो आपको 5 को उड़ाना पड़ेगा। जब आपने 5 उड़ाना है तो उस केस में वो कह रहा है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, ये रूल तो नहीं चलेगा क्योंकि डिजिट ड्रॉप्ड इटसेल्फ इज 5। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, ये भी नहीं चलेगा। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, हाँ 5, फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट, तो 5 को ड्रॉप करना है फॉलोड बाय नथिंग है, ये रूल नहीं चलेगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। 5 को ड्रॉप करना है और 5 के लेफ्ट पे कौन है? ऑड। अगर ये इवन होता तो एज इट इज रहता, पर लेकिन अगर ये ऑड है
ऑड है, तो नंबर इज इंक्रीज बाय वन। तो अगर पांच को उड़ाना है, ये ऑड है, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4, 18.4। तो इस तरीके से आपको ना रूल पढ़ते जाने हैं, या तो पांच होगा या पांच नहीं होगा। अगर आखिरी डिजिट पांच होगा और ये ऑड है तो 1 बढ़ा दो, इवन है ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन अगर कोई नंबर पांच है, कोई पांच है 4 डिजिट तक करने हैं और ये इवन है, तो फिर आंसर सिर्फ 143.4 होगा। लेकिन अगर ये डिजिट 3 डिजिट तक करना है, ये रहा, अगर डिजिट कौन सा उठाना है, 3, 3, पांच वाला रूल नहीं चलेगा, लेस देन 5 वाला रूल चलेगा। लेस देन 5 कौन सा है, स्मॉलर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। तो फिर अगर ये नंबर लेस देन 5 है, तो फिर इस नंबर को आपने अनचेंज रखना है, 8 का 8 ही रखना है, 3 डिजिट है ना, 8 का 8 ही रखना है। तो आपका जो आंसर बनेगा 248000, क्योंकि नॉन सिग्निफिकेंट है ना, फर्क नहीं पड़ता, राउंड ऑफ का मतलब ये ना 248 कर देना है, 248 तो करना है, पर सारे बाद में क्या कर देने हैं, जीरो, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो 0 0 में छोड़, ये नहीं है कि ये थोड़ा राउंड ऑफ हुआ, ये हजारों में है और ये सिर्फ 100 में कर दिया, ठीक। तो राउंड ऑफ भी नियर अबाउट करना है, लेकिन रूल्स के साथ करना है। ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं इसकी डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो कभी भी नहीं देखा मैंने राउंड ऑफ का क्वेश्चन, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये जरूरत नहीं है करने की। पर वैसे ही अब क्योंकि स्कैन हो गया तो मैंने रूल बता दिया, अगर किसी के स्कूल में करवा दिया तो एटलीस्ट उसके बाद नोट्स हैं, उसको रूल चेक चेक करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना, जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस चैप्टर को करते हैं क्लोज।